सात सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं और एक तरफ जहां सहनी अलग दबाव बना रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन जदयू ने अब तय कर दिया है। अगर इसके पहले की बात करें तो राजद ने अपने तीन प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। माले की सहायता से उनके तीनों प्रत्याशी जीत जाएंगे, इस बात का दावा है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से प्रत्याशियों का नाम अब सामने आ गया है। पूरी लिस्ट लेकर हम आपके सामने आए हैं। चार सीट बची हुई हैं, चार में दो भाजपा और दो जदयू, ऐसा जदयू का कहना है। बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं मुकेश सैनी भाजपा कोटे से पिछली बार गए थे, कार्यकाल खत्म हो रहा है, दबाव बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भेजे, इसलिए कि आपके साथ हमारी बातचीत हुई थी, तय हुआ था। अब आते हैं दूसरी तरफ, जनता दल यूनाइटेड में दो सीटों पर कौन कौन से लोग जाएंगे। तो जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जदयू आज एमएलसी प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। जो हमारे पास खबर है उसके हिसाब से अकाफ अहमद खान और रविंद्र सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं। जदयू में अभी राष्ट्रीय सचिव है रविंद्र सिंह और आरजेडी छोड़कर अहमद खान ने जदयू का दामन थामा था। हालांकि सलीम परवेज को लेकर भी चर्चा है, इसलिए कि सलीम परवेज भी पिछले दिनों राजद को छोड़कर जदयू में शामिल हुए थे और ये सारी बातें जदयू का शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक इन दोनों लोगों का, रविंद्र सिंह और अफाक अहमद खान का नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर आज सूची जारी हो सकती है, घोषणा किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के तरफ से भाजपा कब करती है और किस हिसाब से भाजपा गठबंधन में सीटों का बंटवारा करती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब आधिकारिक रूप से फैसला लेते हैं, इस पर भी अभी मुहर लगनी बाकी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700।